अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि 30 सितंबर से जेके बोपी की काउंसलिंग जो है बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की स्टार्ट होने जा रही है। इस बीच यहाँ पे बात आ जाती है कि जो आपका सीट मैट्रिक्स है, मतलब कि कौन से कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की कितनी सीट्स हैं, स्पेशली जो हमारे जीएमसीज हैं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हमारे हैं, उनका आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ी सी रेंज होनी चाहिए बता कि किस में कितनी सीट्स हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा नर्सिंग का। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी आपका डाउट होगा, जो भी कन्फ्यूजन होगा, आप मुझसे वहाँ से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सीट मैट्रिक्स है ये टेंटेटिव है। इसमें जो सीट मतलब नंबर ऑफ सीट्स हैं, ये थोड़ा सा इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। ये जो है ये जेके बोपी ने ही रिलीज़ किया है इस साल का सीट मैट्रिक्स, लेकिन ऑफिशियली जो सीट मैट्रिक्स होता है वो काउंसलिंग से कुछ दिन पहले आ जाएगा। यानी कि 30 से अगर आपकी काउंसलिंग है, 28 को जो है आपका ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड होकर सीट्स आ जाएंगी। फिलहाल आप समझ लीजिए, जो जीएमसीज हमारे हैं, पहले जम्मू के देख लेंगे, देन उसके बाद हम कश्मीर के देख लेंगे। गांधीनगर जो जीएमसी हमारा है उसमें 60 है, गंग्याल जम्मू में 80 है, उसके बाद जीएनसी रियासी जो है इसमें 40 सीट्स हैं, उधमपुर में 60 हैं, अखनूर में 40 हैं, डोडा में जो है यहाँ पे 40 सीट्स हैं, किश्तवाड़ में यहाँ पे 30 सीट्स हैं। ये सारे के सारे जो है ये जीएमसीज हैं, इनमें जो है गवर्नमेंट सीट्स ही होती हैं, मतलब गवर्नमेंट जीएमसीज ही होते हैं। उसके बाद हमारा आता है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, ये जो रजौरी में है, इसकी तीन ब्रांचेज हैं, एक रजौरी में है, एक किश्तवाड़ में है और एक जम्मू में है। तीनों की तीनों ब्रांचेज जो है ये वुमेन इंस्टीट्यूट्स हैं। इसमें जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनमें काफ़ी फायदा होता है कि इनमें कट ऑफ जो वो काफ़ी कम होता है। अगर आपकी परसेंटेज मतलब रिजल्ट की थोड़ी सी कम भी है तो भी अगर आप इनको फिलअप करते हैं तो इनमें आपका चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक तो ये दूर है और ऊपर से इनमें जितनी भी सीट्स हैं वो सारी की सारी वुमेन इंस्टीट्यूट में है, मतलब कि वुमेन्स के लिए होती हैं। तो रजौरी में जो 28 सीट्स हैं उसमें एक सेल्फ फाइनेंस की है, और उसके बाद किश्तवाड़ में 34 हैं, चार उसमें सेल्फ फाइनेंस की हैं, और जम्मू में यहाँ पे 38 सीट्स हैं उसमें से छः जो हैं वो सेल्फ फाइनेंस की हैं। तो ये हो गया जो हमारे इसमें आते हैं, जम्मू सेक्टर में आते हैं ये सारे। उसके बाद यहाँ पे जम्मू के प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा। हम आ जाते हैं डायरेक्टली जो हमारे कश्मीर के जीएमसीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शेरीनबाग श्रीनगर में जो हमारा जीएमसी है उसमें यहाँ पे 50 सीट्स हैं, उसके बाद बागे दिलावर खान जो है इसमें 60 सीट्स हैं, और जीएमसी बारामूला जो है इसमें 30 सीट्स हैं, उसके बाद सिकिमा सोरा मदरे मेहरबान जो हमारा होता है इसमें 50 सीट्स हैं, उसके बाद अनंतनाग जो हमारा इसमें 50 सीट्स हैं, और यहाँ पे साउथ कैंपस एक है, और उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग इसमें 30 सीट है। एक तो साउथ कैंपस अनंतनाग है उसमें 50 हैं, और जीएमसी जो है अनंतनाग का उसमें 30 यहाँ पे सीट्स हैं। बाकी के जो ये यहाँ पे आ जाते हैं ये प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, इनके बारे में यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सीटें जो बीएससी नर्सिंग की हैं वो 1868 इस साल सीट्स इंक्रीज हुई हैं, और उसके साथ साथ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज के यहाँ पे 17 कॉलेजेस, और 17 कॉलेजेस में 1388 सीटें यहाँ पे हैं। तो लास्ट ईयर से सीट्स थोड़ी सी इंक्रीज हो गई हैं, तो कट ऑफ के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि एक बार और सारे जीएमसीज का मैं कट ऑफ बना के आपको दे दूंगा कि मतलब कौन से परसेंटेज वाले कैंडिडेट को कौन सा कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, वो डिटेल में मैं आपको कोशिश करूंगा आज नाइट में, नहीं तो कल मॉर्निंग तक आपको प्रोवाइड कर लूंगा। फिलहाल आप जो है सीट मैट्रिक्स मैंने आपको समझा दिया, इसको आप दिमाग में बिठा के रख लीजिए, और 28 को ऑफिशियली सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, उसको आपने बैठ लेना। बाकी काउंसलिंग ऑनलाइन कैसे होगी, क्या होगी, वो सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। कोई और कंफ्यूजन होगा, किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।